तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। हम लोग हैं आई ऑन डिजिटल धनबाद में, जानेंगे क्वेश्चन का लेवल किस तरह था, किस तरह पैटर्न था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहां से हैं? राहुल कुमार शर्मा नाम है मेरा, बोकार से आए हैं। कहां से हैं और क्या नाम है? नंदिनी नाम है और ये इसराइल ढीला से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है और कहां से आए? किशन नाम है, धनबाद से। पहले हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे, तो पहले जीएस में बात करेंगे। तो जीएस का करंट अफेयर सेक्शन कितना था, कितना क्वेश्चन आया हुआ था? 25 क्वेश्चंस था करंट अफेयर का सिर्फ। हाँ, करंट अफेयर्स नॉर्मली 5-10 होगा ऐसे ही। 5-10 किस ईयर का था करंट अफेयर? ये 2022 करंट का ही पूछा था। करंट का ही पूछा था। कुछ क्वेश्चन याद है करंट का? क्वेश्चन तो ऐसे याद नहीं है। करंट का कुछ क्वेश्चन? करंट का उतना कुछ याद है, स्टडी से याद है। करंट का कुछ याद है मैम? नो सर, कुछ क्वेश्चन याद नहीं है। पुरस्कार अवार्ड फिक्स वगैरह, ओलंपिक्स कब हुए थे, मतलब कौन से ईयर में गेम्स नहीं खेले गए थे, जैसे ये ओलंपिक में आया था कि जो अभी ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें कौन सा खेल जो नहीं हुआ था। तो ऑप्शन दिया था वहाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और एक तीरंदाजी था, तो उसमें से यही चार ऑप्शन था। और कोई स्पोर्ट और खेल अवार्ड से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में? ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। था कि मतलब जो है जनगणना है फिर से कब होने वाली है, वो लोग क्वेश्चन था। और ये करंट से और कितना क्वेश्चन था टोटल? टोटल तो 25 होना। नहीं नहीं जी, करंट से लगभग वही 8-9 होगा, 7-8-9 क्वेश्चन था लगभग सही होगा। अच्छा अच्छा, और अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आया था? हाँ आया था। क्या था? वही बाबर जो है राणा सांगा से लड़ा था ना। हाँ। तो वो किस ईयर में लड़ा था? अच्छा, वो एक आया था। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से? हाँ वही रिलेटेड, बाबर का खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। कितना क्वेश्चन था हिस्ट्री से? हिस्ट्री से 4-5 था। अच्छा, और क्वेश्चन हिस्ट्री से? और क्वेश्चन पॉलिटी से? संविधान से आया था। संविधान क्या था क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। क्या था क्वेश्चन? एक्चुअली याद नहीं है पूरा अच्छे से, बट कितना था कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन? 2-3 था। हाँ, 2-3। और कुछ क्वेश्चन आया तो बता सके? रीजनिंग काफ़ी अच्छा दिया था, वेन डायग्राम्स वगैरह। पहले जीएस अच्छा, कर रहे तो नहीं। जीएस का कुछ क्वेश्चन और याद है? जीएस का एक सेलेसियो त्यौहार है कहाँ का था। हाँ। और उसके बाद खेल वोल से पूछा था और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। बोलते हैं जो है ना अल्लाह रखा जो है किस वाद्य से रिलेट करते हैं वो। अच्छा अच्छा, तो वही था क्वेश्चन। और मैम जीएस से कुछ क्वेश्चन? नदी पर्वत पहाड़ से कुछ क्वेश्चन? एक वो त्यौहार का था, त्यौहार का तो वो हो गया। और नदी वदी से क्वेश्चन? ऐसा तो कुछ वैसे याद नहीं है, हाल नहीं याद, शायद याद नहीं। डांस और नृत्य से क्वेश्चन आ रहा था पहले, याद है? डांस आया था ऐसा नहीं आया था, लेकिन मतलब कौन से व्यक्ति कौन से रिलेटेड है डांस से वो आया था, लेकिन याद नहीं। कथक से रिलेटेड जो है पंडित बिरजू महाराज का, बिरजू महाराज यूपी का जो उन्हीं का। और सीएम से क्वेश्चन आया था क्या? जम गया सीएम से क्वेश्चन आया था? नहीं, इस बार सीएम से नहीं आया, सीएम से कोई क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से बस वही, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन याद नहीं है? पॉलिटी से कुछ 3-4 क्वेश्चन आया था, काफ़ी ज़्यादा से क्वेश्चन आया था, 3-4 वही आया था, लेकिन याद नहीं आता सब, इतना अब याद रखना तो मुश्किल है। अच्छा अच्छा, और चले हम लोग मैथ के बारे में बात करें, तो मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन था, मैथ किस चैप्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था? बोर्ड मार्क्स रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन था। बोर्ड मार्क्स कितना था? कब? 3-4 था। 3-4 फिर स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन था, 2-3 ग्राफ, वेन डायग्राम वगैरह भी था। कितना क्वेश्चन था वेन डायग्राम से? 2-3 था। सिंपल था यार, सिंपल था, सिंपल बहुत ईजी था, बहुत ईजी। मैं प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन, हाँ उससे भी आया था, 3-4 था उससे भी, सिंपल काम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड था। और बस सिंपल इंटरेस्ट से कितना क्वेश्चन था? और दो था क्वेश्चन नहीं आया। टाइप में डिफरेंस निकालने वाला, जो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था उसी को निकालना था, उससे डिफरेंस दे दिया था। और उसमें निकालने बोला था कि आर निकालने बोला था, ऐसे कुछ दिया होगा, आर निकालना था। एक ही क्वेश्चन था और भी था क्वेश्चन? क्या था और एक दूसरा क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन एक से निकालना था, उसका प्रिंसिपल निकालना था, दूसरे 2 साल का दिया हुआ था, एक तो दिया था मतलब कि 3 साल में इतना है, फिर 6 साल में इतना हो गया, तो प्रिंसिपल कितना इतना दे दिया कि क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट था, तो उसका प्रिंसिपल निकाल के फिर से उसका कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट वो निकालना था 6 साल के बाद, वैसा कुछ ऐसा क्वेश्चन। और प्रॉफिट लॉस किस टाइप का क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से तो इजी था, डिस्काउंट से भी था, डिस्काउंट से था। किस टाइप का था क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ईजी था, इजी है, कोई हार नहीं, जो पढ़ के आएगा। इससे पहले वाले समय में जो है कि टिपिकल क्वेश्चन आ रहा था, थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा था,
कैलकुलेटर था उतना हार्ड कैलकुलेटर नहीं था, मतलब मॉडर कह सकते हैं पॉइंट में भी था, मॉडर बहुत अच्छा नहीं पॉइंट उतना हार्ड नहीं, हार्ड तो था ही नहीं मैथ में, मैथ में हार्ड नहीं था और रीजनिंग में तो मैथ में कितना पॉइंट किए हम 25 के हैं, 25 कितना अटेम्प्ट किए मैथ में टोटल लगभग एक दो क्वेश्चन छोड़े होंगे बस, टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस उसे दो गया था, किस टाइप का था उसे बहुत ईजी था, ए प्लस मतलब था ना ए बी सी जो इतना दिन में काम करता है, बी प्लस सी इतना काम करता है और बी इतना काम करता है, तो ए और सी उसी काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा और एक ही क्वेश्चन था और क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से, दो क्वेश्चन था, एक भी इसी तरह का था, ए बी सब करके दिया हुआ था, परसेंटेज में दिया हुआ था कि ये इतना परसेंट वर्क करता है और ये इतना सक्षम है, इसे परसेंटेज करके बताया था कि 50% इससे कम परसेंटेज में है तो कितना होगा, ये सब परसेंटेज के हिसाब से दिया था और एक तो डायरेक्ट दिया था। अच्छा अच्छा और कुछ क्वेश्चन एलसीएम एलसीएम से था, क्या था क्वेश्चन ऐसा था कि 2:3:2:8 ऐसा था, 2:3:8 था ऐसा कुछ था, और मतलब ऐसे कुछ था कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो से था, एक रेशियो से एक ही था, हाँ नॉर्मल था, हाँ नॉर्मल था, आज का क्वेश्चन सारा नॉर्मल था, नॉर्मल एकदम लगभग इजी कहा जाएगा, मॉडरेट भी नहीं कह सकते उसको ज्यादा, इजी कहा जाएगा लगभग इजी। और हम लोग चलेंगे अभी, लेंदी क्वेश्चन था क्या मैथ में, एक भी नहीं, वैसा कोई लंबा क्वेश्चन अगर बनाने वाला स्टूडेंट है तो उसको लेंदी नहीं लगे, लेंदी है ही नहीं, कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं, डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस आया था, ट्रेन से क्वेश्चन था, ट्रेन से नहीं था स्पीड से रिलेटेड था, कोई स्पीड से मतलब कि ये इतना देरी में पहुंचता है, दूसरा इतना देरी में पहुंचता है, बस एक बस जो है 20% स्पीड ज़्यादा है स्कूटर से, और वो दोनों का डिस्टेंस कवर करता है 60 किलोमीटर लगभग, तो उसमें था कि यदि बस जो है 20 में 10 मिनट रुकता है तो जो है एक्स का मतलब बस का स्पीड कितना होगा, ऐसा था। और चलेंगे हम लोग अब रीजनिंग की तरफ, चलेंगे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टॉपिक किस किस क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से सबसे तो ठीक है था, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से दो को था, सिटिंग में दो था, सर्कल वाला था कि लाइन वाला था, रो वाला सर्कल वाला था सात को और छः को, दो को था, दो था, हाँ एक सात जन का था और छः जन का था, और सिलोलिज थे सिलोनियम से दो को था, दो को किस टाइप नॉर्मल था, नॉर्मल था, निष्कर्ष ज़्यादा दिक्कत नथन में किसने नहीं दिया था, एक भी क्वेश्चन नहीं था, नहीं वही सेल्यूलोज में जो देता है उसी टाइप में था, कंक्लूजन से नहीं था, नहीं उसमें से नहीं था, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं था, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से भी नहीं था, सीरीज से क्वेश्चन सीरीज, हाँ सीरीज से था, क्या था सीरीज से था याद नहीं, लेकिन है दो तीन को था, सीरीज से भी दो तीन क्वेश्चन था, दो तीन क्वेश्चन था, और अल्फाबेट से रिलेटेड जितना देता है 4-5 वही टोटल लगभग 4-5 क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड जो रहता है, सारा बनने वाला था, एकदम बनने वाला, सब बनने वाला था, हाँ देखते देखते अगर कोई प्रैक्टिस करके आ रहा हो तो देखते देखते बना देगा, उसको लिख के बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो रीजनिंग बहुत ही ईजी और मॉडरेट के बीच में रख दीजिए, मतलब कोई हार्ड, डीआई से क्वेश्चन आया क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन से आया था शायद, हाँ आया था क्वेश्चन, आया था उससे तो दो क्वेश्चन तो रहता ही है, दो क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, और मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर भी एनालॉजी, हाँ मिसिंग नंबर था ना, कितना था मिसिंग नंबर से, एक या दो था, आज मिसिंग नंबर नहीं आया था, एक लास्ट में था, मिसिंग नंबर भी ध्यान नहीं दिए हैं, हाँ एक आध को था, एक था एनालॉजी से क्वेश्चन, एनालॉजी से भी होगा वो होगा सर, हाँ एक क्वेश्चन सब ब्रेन लगभग मिला के आज का था कि ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ये सब नहीं था, कैलेंडर ब्लॉक नहीं था, जो बहुत ज़्यादा वो सब कुछ नहीं, कैलेंडर ब्लॉक मतलब इससे पहले भी नहीं आ रहा कैलेंडर ब्लॉक। अच्छा और लास्ट सेक्शन बजा था आप लोगों का इंग्लिश, तो इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन था, साइनो एंडो कितना था भाई, दो सब का था, दो वर्ड याद है साइनो एंडो का, एक एवेंडम था जिसका एंटोनोमिस देखना था, और एक ईरिंग करके था उसका सिनोमिस देखना था, और मतलब रिपीटेड जो सब अगर कोई रिपीटेड सेट बना के आता है तो मिल जाएगा उसमें, क्योंकि हम पीछे देख के आए थे एवेडन मिला था, और लेडी करके था उसे कुछ कुछ था क्वेश्चन जो रिपीट किया हुआ था, अच्छा। अगर सेट 10 साल का मार के आइए तो जरूर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है क्या, एकदम मिल रहा है, सेट मार के आइए आराम से मिल जाएगा, और एरर से क्वेश्चन इंग्लिश में, हाँ एरर भी से था, क्या था था क्वेश्चन याद नहीं, एरर से था, स्पेलिंग एरर, हाँ स्पेलिंग भी था, मिस्टेक होगा था उसमें, क्या था इसमें स्पेलिंग आता है, वर्ड क्या लगभग इमर्टिंग कुछ करके ई से था कुछ वर्ड, उतना याद नहीं है, इमर्टिंग करके था, और फिलिंग में पांच जो पैसे से आता था, हां वो आ पांच था ना, पांच था वो तो कंफर्म, वन वर्ड भी था, क्या था, एक ही था हमको, एक ही था, अच्छा। और आप लोग से लास्ट एक क्वेश्चन होगा कि चार सेक्शन आप लोग एग्जाम दिए, चारों सेक्शन में आपको रेट करना हो तो सबसे इजी और सबसे हार्ड में किसको रेट करेंगे, सबसे इजी तो मैथ और रीजनिंग, अच्छा और सबसे हार्ड, हार्ड तो कहेंगे नहीं, मॉडल कहेंगे जीके और जीके को, मॉडल कहेंगे, हार्ड भी नहीं था,
अच्छा, और क्या अच्छा सा कल में? हाँ देखा जाए तो हम लोग के लिए अगर इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो इंग्लिश ही हार्ड थोड़ा था और सब नॉर्मल था, और सब नॉर्मल था। मतलब जो इंग्लिश नहीं पढ़ता उसके लिए तो इंग्लिश हार्ड ही होगा, जो मैथ नहीं पढ़ता उसके लिए तो मैथ भी हार्ड होगा। मतलब जो नहीं जो चीज़ नहीं पढ़ता उसके लिए वो हार्ड होगा, बाकी क्वेश्चन का ओवरऑल क्वेश्चन जो है कि बहुत इजी आ रहा है। हाँ मेरे हिसाब से सब इजी ही था। अच्छा, और आगे आने वाले स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहेंगे जो एमटीएस की एग्जाम देने आने वाले हैं, उन लोगों के लिए किस तरह का प्रिपरेशन करके आए? कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर मार के आओ और ये कहेंगे और कुछ नहीं, क्या कहेंगे। प्रीवियस ईयर मारने से कुछ बेनिफिट है सेट मारने से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेनिफिट है। क्या बेनिफिट हुआ उससे? पता चले, मतलब कॉन्सेप्ट पता चलेगा कैसे आ रहा है। हाँ। और तैयारी पता चलेगा ना, कितना नंबर आता है मॉक टेस्ट में देंगे तो पता चलता है ना, हम अभी इतना है तो वहाँ पर जाकर कितना देंगे वो पता चल जाता है। इससे पहले कोई एग्जाम निकाले क्या? नहीं, फर्स्ट नंबर एग्जाम आपका? नहीं, कोई एग्जाम नहीं निकला। चलिए थैंक यू और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों देखिए कि आप लोग, इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एसएससी जो एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम ओवर हो गया है और इन लोग देखे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किए। उम्मीद करेंगे कि आपको इनका एक्सपीरियंस जरूर कुछ ना कुछ काम आएगा। अगर आपका भी आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आपको इस वीडियो जरूर कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आगे आने वाली भर्ती का अपडेट आपको उसी ग्रुप में मिलता है। और अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फॉलो करके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बताएं। और अगर आपका भी एसएससी एमटीसी एग्जाम हो चुका है तो आप जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।